नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरफुल क्रिएचर। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी ध्रुवीय भालू के बारे में। उस वीडियो में मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे डिमांड किया था माउंटेन गोट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एंड क्योंकि मेरे चैनल में किसी सब्सक्राइबर की ये फर्स्ट टाइम डिमांड है, तो जल्दी से जल्दी उस एनिमल के ऊपर वीडियो लाना मेरा फर्ज बनता है। तो आज का वीडियो है माउंटेन गोट के बारे में। माउंटेन गोट्स को रॉकी माउंटेन गोट भी कहा जाता है। ये झबीला सा जीव नॉर्थ अमेरिका का स्थानीय पशु भी है। माउंटेन गोट्स रॉकी पर्वत श्रृंखला एवं केस्केड रेंज में पाई जाती है। ये प्रजाति पहाड़ों में 13,000 फीट की उच्चता में विराज करती है, इससे नीचे नहीं उतरती। ये बकरियां इतनी उच्चता में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मैमल्स है। प्रकृति ने इनको इतनी उच्चता में रहने के लिए अच्छे से तैयार किया है, लाइक बॉडी का मोटा झबड़ीला चमड़ी जो रॉकी पर्वत की कपकपाती ठंड से इनको बचाती है, और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए ये पर्वत की खड़ी ढलान पर बहुत आसानी से दौड़ पाती है। इनके पैरों की सुंदर गठन की वजह से इनके पैरों का गठन इतना परफेक्ट होता है कि खाने की तलाश में ये पहाड़ों के ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां दूसरे जीव नहीं पहुंच सकते। माउंटेन गोट्स के नर और मादा दोनों के पास ही दाढ़ी रहती है, और दोनों की ही 15 से 28 सेमी लंबा काली सिंग रहती है। माउंटेन गोट्स की लंबाई 120 से लेकर 180 सेमी तक होता है। मादाए नर से आकार में थोड़ी छोटी होती है। बसंत ऋतु में इनके बॉडी के सारे फर झड़ जाते हैं और तब ये नॉर्मल बकरियों की तरह ही दिखते हैं। ये शाकाहारी जीव प्रजातियों में से है। ये पूरे दिन पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के पहाड़ी फल, हर्ब्स, मॉस, घास इत्यादि खाके अपना पेट भरते हैं। माउंटेन गोट्स के नरों को बिल्ली और मादाओं को नैनी कहा जाता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीनों तक इनका मेटिंग सीजन होता है। इसके बाद ही नर और मादा अलग हो जाती है। मादाएं बसंत ऋतु में मेमनों को जन्म देती है। जन्म के वक्त इनका वजन मात्र 3 किलो होती है। बचपन से ही ये बच्चे अपने माँ से कभी दूर नहीं जाती और उनकी ही निगरानी में रहती है। मादाएं अगली मेटिंग सीजन तक उनकी देखभाल करती है। माउंटेन गोट्स की मीट के लिए इनका शिकार होता आ रहा है। ये प्रजाति डोमेस्टिक जीवों में से नहीं है और वूल के लिए भी इनका पालन नहीं किया जाता। इस भयंकर पथरीले परिवेश में इनके मेमने ज्यादातर पहाड़ों से गिर के मारे जाते हैं। बहुत कम ही एडल्ट एज तक पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तादाद कहीं से भी नहीं कमी है। और रॉकी पर्वतमाला के एक खूबसूरत सजीव बेडर होके आज भी पहाड़ों में फलती फूलती है। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और आगे आप कौन से जानवर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तब तक टेक केयर।